आप लोगों के पास ना गणेश जी की फोटो को लेकर के या मूर्ति को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर कर देता हूँ कि गणेश जी की फोटो या स्टैचू मूर्ति कौन सी दिशा में लगाना सही है और कौन सी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। पूरी दिशा जो होती है वो गणेश जी की नहीं होती है। जनरली कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि सर हमने गणेश जी की मूर्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाया है, तो क्या हम अंदर से भी लगाएं बाहर से भी लगाएं। ऐसा सुना है हमने कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है, अशुभता मानी जाती है, तो क्या ये सच है। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को भी ये मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जैसे पिछली बार मैंने एक समय में आप लोगों को बताया है गणेश जी कौन है, भगवान है, इनकी उपासना कौन, मतलब कौन से प्लैनेट वाले करते हैं, राहु और केतु, क्लियर है। तो आप सोचिए कि गणेश जी को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बिठाएंगे तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर आपने गणेश जी के बारे में, गणेश जी की स्टोरी है जो वो अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। होता क्या है कि माँ पार्वती गणेश जी को कहती है कि आप यहाँ पर बैठो, किसी व्यक्ति को अंदर आने मत देना। मैं आगे से स्टार्ट कर दिया। तो गणेश जी ने क्या किया, शिव जी को रोका, शिव जी ने क्या किया, उनकी खोपड़ी काट दी। तो ओवरऑल क्या हुआ उसके बाद, फिर कितना मतलब हाहाकार मचा। फिर हाहाकार मचने के बाद गणेश जी को क्या बोला गया, सर्वप्रथम पूजनीय। मतलब ये है कि गणेश जी को, ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट होगा तो आप नेट पे सर्च करना गणेश जी की स्टोरी, गणेश जी का सिर क्यों कटा, कि आपको पता, पूरी स्टोरी पता चल जाएगी क्यों क्या कैसे। स्टोरी बताऊंगा, क्लासेस लंबी होंगी इसलिए अभी शॉर्ट में बता दिया। तो गणेश जी कभी किसी भी व्यक्ति के घर के द्वारपाल नहीं हो सकते। अगर आपने गणेश जी को अपने घर का द्वारपाल बनाया तो उस समय जो हुआ था, हो सकता है आपके घर में भी वही हाहाकार मच जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गणेश जी को माँ लक्ष्मी का पुत्र भी कहा गया है। माँ लक्ष्मी ने उनको माँ पार्वती से कहा तो माँ पार्वती ने कहा ठीक है, तो माँ लक्ष्मी ने उन्हें पुत्र स्वरूप रखा। और हम जब भी दिवाली होती है या फिर जब भी जो एक व्यापारी होता है तो वो किसकी पूजा करता है, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की। तो गणेश जी को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बिठाएंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी क्या, वो बोलेंगी कि यार मेरे पुत्र को ये व्यक्ति अपने घर पे द्वारपाल बना दिया, मतलब कोई भी आए नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मेरा बेटा द्वारपाल बन गया, इसके घर में जाऊँ कि ना जाऊँ, तो वो आएंगी क्या। एक एग्जाम्पल के तौर पर लॉजिकली समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने किसी मतलब वो लज्जा आएगी, मान लो आपने किसी के पुत्र को अपने घर का द्वारपाल बना लिया। एक एग्जांपल के तौर पे आपके घर पे एक गार्ड है, उसकी माँ अगर उसको देखेगी कि मेरा बेटा गार्ड के जैसा काम कर रहा है तो क्या अच्छा लगेगा उसकी माँ को, शायद नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि भगवान के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट लॉजिक माइंड पे ये चीज़ें समझ में है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। तो आपने क्या किया, उनको अपने घर का द्वारपाल बना दिया। तो जब आपने घर का द्वारपाल बना दिया तो एक माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बेटे को उसने द्वारपाल बनाया, तो क्या वो माँ आपके घर पर एंटर करेगी, शायद नहीं। तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर एंटर करेगी क्या, शायद नहीं। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि राहु, अगर आपने गणेश जी को घर के मुख्य द्वार पर बिठा दिया तो आपके घर पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बात आएगी कि सर मेरे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने गणेश जी की फ़ोटो लगाई है, वो तो काफ़ी संपन्न है, काफ़ी अमीर है, काफ़ी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। तो एक दिशा जो है वो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। अगर आपका घर का मेन डोर या किसी भी व्यक्ति के घर का मेन डोर नॉर्थ ईस्ट में खुलता है तो वो गणेश जी को वहाँ पर बिठा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम भी माना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर गणेश जी को बिठाते हैं, रखते हैं, तो ये अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि गणेश जी क्लियरिटी ऑफ माइंड देते हैं। उसके बाद कोई भी दिशा आ जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के बाद कोई भी दिशा आ जाए, साउथ ईस्ट आ जाए, साउथ वेस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, नॉर्थ वेस्ट आ जाए,
कोई भी दिशा आ जाए, हिंदी में बोल दूँ कोई भी दिशा आ जाए, सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण में ही गणेश जी की स्थापना आपने करनी है। अदरवाइज कहीं भी आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो ना लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गणेश जी क्लियरिटी ऑफ माइंड है, बुद्धि के देवता है। तो अगर आपके घर में 3-4 गणेश जी होंगे तो जितने घर के मेंबर्स हैं ना, सब लोगों का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि गणेश जी एक विज़न है, एक क्लियरिटी है, वो बुद्धि के देवता हैं। अगर आपने 2-3 गणेश जी की फ़ोटो रखी है, आपने रखी है या आपके क्लाइंट ने रखी है, तो इमिजिएटली आप उनको बोलिए एक फ़ोटो या एक मूर्ति आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, बाकी सब कुछ हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी सिर्फ और सिर्फ क्लियरिटी देते हैं। अगर आपने उनकी 2-3 फ़ोटोज़ मूर्ति रख ली तो वो क्लियरिटी जो है ना, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं एक बताना चाहूँगा, मैं एक क्लाइंट के घर पे गया, उन्होंने घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी बिठाए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी बिठाए, मतलब उनको गणेश जी से बड़ा प्रेम था, बहुत अच्छा प्रेम था। मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि आपने जगह जगह पर गणेश जी का स्टैचू, गणेश जी की खूबसूरत सी मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ वगैरह आपने लगाई है, तो किसी ने आपको, वास्तु वाले ने कहा है? तो बोले, सर मैंने एक बार पढ़ा था कि गणेश जी जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ पर शुभता आ जाती है, मतलब वह जगह पॉजिटिव हो जाती है। मैंने कहा, अगर पॉजिटिव हो जाती है तो फिर आप मुझे बुलाते भी नहीं। तो उन्होंने कहा, सर ये बात भी पॉइंट की है। सबसे पहले मैंने उनको ये कहा कि आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में जो गणेश जी है आप उनको रहने दीजिए, और बाकी सारे गणेश जी को आप एक बॉक्स में पैक करिए, 1 से 2 महीने तक आप उसको बॉक्स में पैक करके रखिएगा, और जो उपाय मैं बताऊंगा आपके घर में, जो वास्तु करवाऊंगा, उसको करके मुझे बताइएगा। अगर आपको उस उपायों से फ़ायदा मिला तो इन सारी मूर्तियों को, इन सारी फ़ोटोज़ को आप जल प्रवाह कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा महंगी है तो आप किसी मंदिर में, एक एक मंदिर में जा कर के आप दान कर देना, परंतु गणेश जी की फ़ोटो सिर्फ एक रखना। उन्होंने थोड़ा सा तर्क वितर्क कहा कि नहीं सर, मैं जब भी उठता हूँ तो गणेश जी को देखता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ गणेश जी को देखता हूँ। तो फिर अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आस्था होती है, तो हमें उनकी आस्था पे कोई ठेस नहीं पहुँचाना है। हमें आपने एक ही चीज़ कहनी है, 1 महीना आप, 1.5 महीना आप करके देखिए, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप गणेश जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो आप अपने मोबाइल तो सभी यूज़ करते हैं, तो आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर को गणेश जी का रखिए। जब आपको लगे, जब आप अपना मोबाइल देखेंगे, तब आपको गणेश जी बिल्कुल आपको विजुअल फॉर्म में दिखेंगे, और आप उठते बैठते सोते जागते हमेशा आप गणेश जी को देख सकते हैं। तो ये लॉजिक तरीके से मैंने आपको समझाया, बट ओवरऑल क्या करना है हमें, गणेश जी की जो मूर्ति होगी वो सिर्फ और सिर्फ, या फोटो होगी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई भी दिशा में नहीं लगेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर साउथ वेस्ट में, मैंने कहा कोई भी दिशा में नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अलावा एक कोई जगह नहीं लगेगी, उनके लिए कोई जगह बनी ही नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सिर है, गणेश जी भी सिर हैं और क्लियरिटी देते हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में ही बैठेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके घर में या आपके क्लाइंट के घर में बहुत सारे गणेश जी की फ़ोटोज़ हैं या मूर्तियाँ हैं या कुछ भी है, सब हटवा दीजिए, सिर्फ एक रखिए। अब एक बात और आती है कि सर गणेश जी का जो सूंड है वो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यार एग्जांपल के तौर पे गणेश जी क्या एक ही, क्या एक, मतलब एक ही सूंड में रहेंगे? क्या उनको हक नहीं है कि वो राइट में है तो लेफ्ट कर ले, या लेफ्ट में है तो राइट कर ले? थोड़ा लॉजिकली भी समझा करो। जिन्होंने ये बताया कि ये ऐसा है, ये काम करता है, ये ऐसा है, ये काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उनकी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी? अगर उनका सूंड राइट साइड में है तो वो ज़्यादा शुभ है, अगर उनका सूंड लेफ्ट साइड में है तो वो शुभ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप एक ही करवट में सोते हैं? नहीं ना, आप दूसरा करवट भी लेते हैं ना। तो वही चीज़ है, थोड़ी सी बुद्धि हमें लगानी है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे लेवल पर चले जाता है तो वो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए एक सिंबल दे देता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक सिख फैमिली है, पंजाबी फैमिली है, उनके घर पे गया, उन्होंने बहुत खूबसूरत सी एक माता की फ़ोटो लगाई थी जिसमें ना शेर का मुख बंद था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये फ़ोटो तो मतलब बहुत ही
रेयर मैंने देखी है, जनरली ये होता है कि माता का मुख खुला हुआ रहता है। तो बोले हाँ सर, मेरे यहाँ एक पंडित जी आए थे, बहुत जाने माने थे, उन्होंने कहा, मैंने एक फ़ोटो लगाई थी जिसमें शेर का मुख खुला था, तो उन्होंने कहा कि इस फ़ोटो को चेंज करके शेर के मुख बंद की फ़ोटो लगाई है। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि शेर जो होता है अगर उसका मुँह खुला है तो वो अग्रेसिव होगा, गुस्से में होगा, तो आपके घर में क्या चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो मैंने सर तब से क्या बोलते हैं ये फ़ोटो मैंने चेंज कर ली। मैंने कहा है अच्छा, लॉजिक तो सही है, परंतु अगर मान लो शेर को धाड़ना हुआ या शेर को जमाइयाँ लेनी हुई या शेर क्या खाना नहीं खाएगा, क्या मुंह नहीं खोलेगा एग्जांपल के तौर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लगाते हैं उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है या किसी ने आपके मन में कोई डाउट पैदा कर दिया है तो वो रेमेडी मत करना, चाहे वो कितना बड़ा इंसान भी क्यों ना बोल रहा हो। पहले कोई भी उपाय करने से पहले थोड़ा उसका लॉजिक समझ लो कि ये उपाय किया जा रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, तभी तो वो रेमेडी, वो उपाय आपका काम करेगी। अगर आपने उसका लॉजिक ही नहीं समझ पाए और आपने बस लिया और लगा दिए तो वो तो नॉर्मल है, वो उपाय नहीं है। फिर आपने क्या किया, एक फ़ोटो ली और वहाँ पर लगा दी। मैं आपको अभी रेमेडी का पार्ट बताऊँगा कि रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं, रेमेडीज़ का लॉजिक क्या है, और एक एक रेमेडी जब लगाई जाती है तो उसे किस लॉजिक से लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये इस लॉजिक से हमें वहाँ पे हमने उसको लगाया है और ये रिजल्ट्स कैसे देगा कैसे नहीं देगा, तो आपने इस लॉजिक को समझना है, तब जाके वो रेमेडी काम करेगी। और आपने अपने क्लाइंट को बताना भी है कि ये जो रेमेडी है, ये जो पोस्टर है, ये जो फोटो है, ये जो मूर्ति है, ये जो उपाय है, मैं इस लिए लगा रहा हूँ और इस लॉजिक से लगा रहा हूँ। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपने उनको लॉजिक दे दिया, उनके लॉजिक को क्लियर कर दिया, तो वो रेमेडी उनके सबकॉन्शियस माइंड तक गई और वो काम करना चालू कर देगी। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक था जो मैंने फिनिश कर दिया छोटे से।